हेलो। तो दोस्तों कैसे हो यार आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत ही बढ़िया हो गए। तो मैं आ चुका हूँ एक नए एपिसोड के साथ। सो ये एपिसोड नंबर 3 में हम बात करने वाले हैं सोल स्टोन के बारे में। सो आप सभी को पता है कि सोल स्टोन को बहुत ज़्यादा मतलब वो बहुत सबसे पावरफुल स्टोन है पूरे 6 इन्फिनिटी स्टोन में से, लेकिन बहुत से लोगों को अभी तक उसकी पावर्स एबिलिटीज़ के बारे में पता नहीं है। तो इस वीडियो में बात करेंगे उसकी जर्नी और पावर्स एंड कैपेबिलिटीज़ का। सो अपीयरेंसेस उसके 3 मूवीज़ में ही हुए थे, ज़्यादा कुछ अपीयरेंसेस के बारे में बोलने को तो है नहीं, इसलिए हम ज़्यादा इसमें डिस्कस करेंगे उसके पावर्स और कैपेबिलिटीज़ के बारे में, क्योंकि लोगों को बहुत सारे लोगों को पता नहीं है सोल स्टोन क्या क्या कर सकता है, क्या कैपेबल है। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो सोल स्टोन के बारे में हम लोग को बहुत कम पता है। सबको पता है कि सोल स्टोन के बारे में बहुत ज़्यादा अंडररेटेड है, बहुत ज़्यादा इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है। सो ये वॉर्मीर प्लैनेट पे एनशाइन किया जाता है और इसको गार्ड करता है रेड स्कल। सो थानोस सैक्रिफाइस करता है अपनी अडॉप्टेड डॉटर गमोरा को ये सोल स्टोन को कलेक्ट करने के लिए, जिसको वॉर्मीर में रखा गया था रेड स्कल के निगरानी में। बल्कि थानोस उसके बाद में ले लेता है वो इन्फिनिटी स्टोन। सो थानोस अपनी बेटी को सैक्रिफाइस करता है इन्फिनिटी वॉर में, हम सबको पता है। सो अभी थोड़े ओरिजिन पे बात करते हैं। सो जब भी यूनिवर्स एग्जिस्टेंस में हुआ था तो कॉस्मिक बींग्स ने, जिनका नाम था कॉस्मिक एंटिटीज, उन्होंने एनर्जी से फोर्ज करके इस बनाया था। और सोल स्टोन रिप्रेजेंट करता है, जैसे कि आपको वर्ड से समझता है, सोल स्टोन रिप्रेजेंट करता है सोल को। सो 1945 में जब स्पेस स्टोन बैनिश हो जाता है तो रेड स्कल को ये प्लैनेट पे भेज दिया जाता है उसके पावर्स का अब्यूज़ करें। सो सोल स्टोन कर्स करता है रेड स्कल को, जो कि ट्रांसफर रेड स्कल ट्रांसफॉर्म होता है ऐसा लाल वाला इमॉर्टल बीइंग में, और वो वॉरबीर पे आ जाता है। फिर वहाँ से वो कलेक्टर बन जाता है, सोल स्टोन का कीपर बन जाता है। सो अभी हम बात करते हैं कुछ अपीयरेंसेस के बारे में। सो उसका अपीयरेंस हुआ था गार्डन्स ऑफ द गैलेक्सी में, गार्डन्स ऑफ गैलेक्सी वॉल्यूम 1 में। तो सोल स्टोन, जिसको होलोग्राम में बताया गया था कि कलेक्टर बताता है जब भी, एक्सप्लेन करता है गार्डन्स ऑफ द गैलेक्सी को सारे इन्फिनिटी स्टोन्स के बारे में। फिर नेक्स्ट हमें अपीयरेंस देखने को मिला था, जो कि था अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में, जब भी थानोस और हमारी गमोरा वॉर्मीर जाती है सोल स्टोन को कलेक्ट करने के लिए, और फिर हमारा थानोस चचा अपनी बेटी को कुर्बान कर देते थानोस अपना सोल स्टोन को लेने के लिए। फिर नेक्स्ट अपीयरेंस था उसका अवेंजर्स एंड गेम में, जहाँ पे हॉकआई और ब्लैक विडो जाते हो वॉर्मीर पे, और ब्लैक विडो सैक्रिफाइस कर देती है अपने आप को सोल स्टोन और अर्थ को पूरे बचाने के लिए। सो ये सब चीज़ें ना अपीयरेंस में, जैसे कि बोला 3 बार हुआ था सोल स्टोन का अपीयरेंस। और अपीयरेंसेस के बारे में मैं इतना ज़्यादा बोल नहीं सकता, क्योंकि सबने मूवीज़ देखी है तो सबको पता ही रहता है उसका अपीयरेंस। तो आज हम ना ज़्यादा फोकस करने वाले हैं उसके कैपेबिलिटीज़ और पावर्स। क्यों कहा जाता है सोल स्टोन को वन ऑफ द मोस्ट सबसे पावरफुल इन्फिनिटी स्टोन में सबसे पावरफुल क्यों जाना जाता है, ये हम इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहला आता है इमेंस पावर। सो सोल स्टोन होल्ड करता है इमेंस सुपर नेचुरल पावर्स, ये हम सबको पता है। नेक्स्ट है सोल मैनिपुलेशन, नेक्स्ट कैपेबिलिटी है वो है हमारा सोल मैनिपुलेशन। तो सोल स्टोन रिप्रेजेंट किसको करता है, सोल को, और वो इसलिए पोजेस करता है इतनी पावरफुल, इतनी इमेंस पावर्स जिसके बारे में हम सबको पता नहीं है। सो ये सोर्स है उस स्टोन का, जो कि एक्सट्रीमली डेडली पावर्स को एग्जिबिट करता है, और इसीलिए सोल स्टोन को कंसिडर किया जाता है एज वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस इन्फिनिटी स्टोन्स। तो जैसे कि मैंने बताया, इसका अपीयरेंस हुआ था मूवी में गार्डन्स ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 1 में, जिसको इसको होलोग्राम के थ्रू दिखाया जाता है, और इन्फिनिटी वॉर में और अवेंजर्स एंड गेम में। सो अभी हमने बात किया इसके पावर्स कैपेबिलिटीज़ के बारे में, अभी थोड़े 2 फैक्ट्स के बारे में बताने वाला हूँ। सो ये सीरीज़ में मैं फैक्ट्स हर फैक्ट्स के बारे में बताता हूँ। सो सबसे पहला फैक्ट है कि सोल स्टोन को ग्रीन दिखाया जाता है कॉमिक्स में, और यहाँ पे हमारे ऑरेंजिस टाइप का थोड़ा दिखाया जाता है। और कॉमिक्स में एडम वॉरलॉक पोजेस हुआ था सोल स्टोन के वजह से, जिसके वजह से उसको फोरहेड में वो सोल स्टोन का एम्बेडेड हुआ जाता है। सो ये था फैक्ट। सो अभी जब भी थानोस सोल स्टोन कलेक्ट करता है और फिर बाद में टाइटन पे जाता है, डॉक्टर स्ट्रेंज, टोनी स्टार, गार्डन्स ऑफ द गैलेक्सी वहाँ पे रहते हैं तभी, क्योंकि उसको डॉक्टर स्ट्रेंज का टाइम स्टोन लेना है। सो जब भी डॉक्टर स्ट्रेंज एक स्पेल कास्ट करता है
जिसमें उसकी डॉक्टर स्ट्रेंज की डजन ऑफ कॉपीज रहती है, डजन ऑफ उसके जैसे दिखने वाले लोग रहते हैं, उसके जैसे मतलब वो क्लोन बनाते हैं अपने आप को। तो थानोस सोल स्टोन और पावर स्टोन को यूज़ करके उसे ट्रैक डाउन करता है और रियल स्ट्रेंज को ढूंढ के उस साथ डिस्ट्रॉय करता है कॉपीज को, और वो रियल सोल डॉक्टर स्ट्रेंज के रियल सोल को ढूंढता है और उसे पकड़ता है। फिर सोल स्टोन अपने ओनर को पूरी पावर देती है, मतलब पूरी तरह से कंट्रोल पावर देती है ऑल्टर करने को और मैनिपुलेट करने को सारे सोल्स को, और वो यूज़र को कंप्लीट कंट्रोल देती है पूरे लाइफ है यूनिवर्स में। सो अगर उसके कुछ यूज़र्स की बात करें तो वो थे थानोस ने सोल्स यूज़ किया था, फिर ब्रूस ने यूज़ किया था और टोनी ने यूज़ किया था। सो ये तीन जनों ने मूवीज़ में अभी तक सोल स्टोन को यूज़ किया है बेसिकली। सो अभी अगर हम कुछ इसके स्टेटस की बात करें तो वो डिस्क्राइब हो चुका है। जो अगर आपको एक सेपरेट वीडियो चाहिए कि जैसे बहुत सारे लोगों के मन में क्वेश्चंस है कि अगर ब्लैक विडो गई थी, उसने सोल स्टोन के लिए अपनी खुद की जान खतरे में डाल दी और सेक्रीफाइस कर दिया, तो जब भी कैप सोल स्टोन को कैसे रिटर्न करते हैं, अगर रिटर्न करते हैं तो ब्लैक विडो फिर से क्यों नहीं आता है, ये बहुत एक मेजर क्वेश्चन है बहुत सारे फैंस के मन में। अगर इस पर एक वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताना, मैं इस पर वीडियो ज़रूर बताऊँ। अगर हम कॉमिक्स की अपीयरेंस की बात करें तो वो थी इन्फिनिटी वॉर प्रीलूड में और एवेंजर्स एंडगेम प्रीलूड में। सो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट करके बताना कि आपको चाहिए कि सोल स्टोन कैप कैसे रिटर्न करता है इस पर वीडियो, तो कमेंट करके बताना। तो यही था एक छोटा सा वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा। सो मिलते हैं कल के एपिसोड में विद अ न्यू जर्नी ऑफ इन्फिनिटी स्टोन, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।